हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है माहिर और आप देख रहे हो माहिर नरवाल ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़रा बढ़िया होंगे। तो गाइस बहुत दिनों से कोई ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि मैं रश पे था। जैसे कि आप सबको पता है मेरी जो प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क की, तो अभी फाइनली थोड़ा ठीक है। तो मैं सोचा मेरे पास आज मैंने सुबह ना एक वीडियो देखी, वो कुछ एक्शी करके कुछ नाम था बंदे का, तो उसमें वो बंदा स्लेट पेंसिल खा रहा। मैं यार स्लेट पेंसिल क्यों खा रहा है बंदा, ठीक है? तो मैं सोचा एक बार मैं भी टेस्ट करता हूँ ये कैसी होती है स्लेट पेंसिल, ठीक है? तो मैं आज आपको उसका रिव्यू दूंगा कैसी होती है स्लेट पेंसिल, और उसके फायदे ही बताऊंगा, जो भी डिसएडवांटेज है जो उसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है? तो चलो लेके आता हूँ फटाफट अपनी स्लेट पेंसिल। तो गाइस चलो चलते हैं फटाफट, ठीक है ना, चलते हैं और लेके आते हैं अपनी स्लेट पेंसिल। और आजकल ना कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ पे गलियों में। दो घर तो हमारे गली में बन रहे हैं और तीसरा यहाँ बन रहा है साइड वाली गली में। हमारे स्पेस है जाने का है। चलो निकलता हूँ यहाँ से फटाफट, ठीक है, मिलता हूँ आपको दुकान पे। आंटी दे देना वो स्लेट पेंसिल का जो स्लेट पेंसिल का बॉक्स है, दे देना वो। ये खुली भी आती आंटी है? खुली नहीं आती? पहले कभी आती थी। तो गाइस मैं भी ले आया हूँ स्लेट पेंसिल। अरे कौन से ब्रांड की है, एक मिनट को बैठ जाता हूँ पहले। ये देखो, यह है ज्योति ब्रांड की स्लेट पेंसिल है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं अभी। गिर गई सारी रायता फैल गया, एक मिनट, गिर गई सारी मेरे पैर पे हेरी, ठीक है। हाँ तो गाइस मैं भी ले आया हूँ स्लेट पेंसिल और जरा इसका ना अभी टेस्ट करते हैं कैसी है ये, ठीक है, आपको दिखा। तो गाइस रही इसकी स्लेट पेंसिल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात, इसके एडवांटेजेस तो बस एक ही है, एडवांटेज भी क्या छोटा सा ही है। तो जो इसके अंदर ना कैल्शियम होता है जो बोन्स को स्ट्रेंथन करता है और साथ में हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा बूस्ट करता है। और ये बूस्ट करने के चक्कर में ये मत सोचना कि बूस्ट करा तो अच्छी चीज है, नहीं, ये बूस्ट करने के अलावा जो इसके डिसएडवांटेज है ना वो सुनो। जो ये बताऊं, जो सबसे पहले तो ये आपके दांतों को खराब करेगा, जो टीथ के ऊपर जो एनामल होता है ये उसको डिग्रेड करता है, ठीक है, तो आपके दांत भी खराब हो जाएंगे। दूसरी बात, ये फिर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स देगा, ठीक है, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट होएगा, ठीक है, तो क्यों खानी यार, कभी कभी के लिए ठीक है, अपना टेस्ट के लिए खाओ, ठीक है, बट इसे हैबिट मत बनाना, ठीक है। तो बस चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और गाइस एक चीज और, ये वीडियो स्पेशली जो आज की वीडियो होने वाली है ना, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए होने वाली है, जो गर्ल्स स्लेट पेंसिल खाती हैं और जिन्होंने अब तक नहीं खाया ना वो भी मैं कहता हूँ इसे एक बार ट्राई करो आप, आपको अच्छी लगेगी ये, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस कैमरा मैंने अभी सेट कर दिया है और ये रहा आपकी स्लेट पेंसिल का बॉक्स। अब इसमें से मैं एक ट्राई करता हूं, मैं कैसी लगती है, इतनी बड़ी है वो, ये एक इतनी बड़ी आती है ये। अब ये पूरी तो खाऊंगा नहीं, मैं थोड़ी सी ट्राई करता हूं मैं। और जैसे जब गांव वगैरह में जाता हूं ना मैं, तो वहां मैंने सुना है कि इसको लड़कियां खाती हैं अपनी सुंदरता के लिए। क्या जब मैंने पहली बार सुना था तो बहुत अजीब लगा था मेरे को, लेकिन अब चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हम भी थोड़े बहुत गोरे हो जाएं, कुछ ऐसा इसमें हो कि मेरे को भी गोरा बना दे। तो इसको जरा ट्राई करते हैं।
अच्छी है यार, मतलब टेस्ट अच्छा है, अच्छा लगा मेरे को टेस्ट। कट के बाद आती कट, अच्छी लगी स्टेट पेंशन। लेकिन ज्यादा नहीं खाऊंगा, लेकिन मम्मी बता रही थी ज्यादा है तो तेरे पथरी हो जाएगी, तो इसलिए ज्यादा नहीं खाता मैं, पता चले खाऊंगा पथरी हो जाए। और तो टेस्ट तो इसका स्लेट पेंसिल का बहुत अच्छा है, और जैसे कि मैंने सुना है कि इसे लड़कियां खाती है अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो जो जो ये स्लेट पेंसिल खाता हो प्लीज कमेंट में लिख देना कि ये स्लेट पेंसिल कैसी लगती है आपको खाने में, या आपने ट्राई नहीं करी है तो इसे ट्राई करो, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। और आप इसे ट्राई करके कमेंट सेक्शन में आप बता देना कैसी लगी आपको, ठीक है। और ये ब्रांड देख लो, ये ब्रांड है जो, ये है ब्रांड ज्योति ब्रांड, एक सेकंड आपको दिखाऊं, जो ये ज्योति ब्रांड की है जो हमारे यहाँ पे मिलती है रोहिणी में, और आप भी ले सकते हो, ज्यादा महंगी नहीं आती है ये, इसको आप ट्राई करो जिनने नहीं करी। वैसे तो लड़कियां ऑलमोस्ट सारी खाती ही होंगी, जिसने जैसे कि मैंने सुना है कि लड़कियां खाती हैं, और टेस्ट इसका वाकई में अच्छा है जो लड़कियां खाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, और जिसने नहीं टेस्ट करा वो मेरे से ट्राई करो यार, अच्छी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।